हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और हम आए हैं अभी जामा मस्जिद गुम्बाड कैफ़े के अंदर। और इस कैफ़े का काफ़ी नाम सुना है, इसका जो व्यू है वो भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा दिखा रहा है। पहले आपको व्यू दिखा देता हूँ किस तरीके का है बैक कैमरा करके। तो ये व्यू देख सकते हैं इसका, जो जामा मस्जिद का साइड का जो इसका व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा औसम आता है यहाँ से जब देखते हैं। और अभी दिन का टाइम है, लाइटिंग वगैरह अभी जली नहीं है, सूरज थोड़ा ढल रहा है तो इसलिए और थोड़ा खूबसूरती आ रहा है अभी देखने में। और अभी जब इसकी लाइट वगैरह जलेगी उसके बाद भी आपको इसका जो है वो व्यू दिखाएंगे। और अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। और चलिए पहले आपको इस कैफ़े का पूरा व्यू दिखाते हैं, फिर आगे की बात करते हैं और क्या ऑर्डर करेंगे वो भी देखते हैं अभी। हमने कॉफ़ी ऑर्डर की थी, कॉफ़ी हमारी आ चुकी है। ये कॉफ़ी आ चुकी है हमारी, अभी टेस्ट नहीं की है, टेस्ट के बाद पता लगेगा। तो गाइस ऑर्डर हमारा आ चुका है, हमने मंगाए हैं चिली पोटैटो, कॉफ़ी और ये बिस्किट जो है हमें इसके साथ ये हमें मिले हैं कुकीज इसके साथ। और ये है इनका मेन्यू गुम्बाड कैफ़े। तो गाइस ऑर्डर हमारा आ चुका है, हमने मंगाए हैं चिली पोटैटो, चिली पोटैटो ऑर्डर किया है, साथ में कॉफ़ी ऑर्डर किया है, कैपेचिनो। तो चलिए चल के देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा औसम है, एक्चुअली इसमें थोड़ा हनी डाला हुआ है, भरोसा मत। आप अगर चाहें तो बिना हनी के भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे हमने कॉफ़ी ऑर्डर किया, आप चाहें तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, पर मेरा फ्रेंड के साथ में आया तो इसे कॉफ़ी पीनी थी, मैंने चलो ठीक है कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। बाकी आप अगर चाहें नॉर्मल रेट भी, नॉर्मली इतना कोई ज़्यादा नहीं आएगा व्यू के हिसाब से। बाकी फूड करते हैं एंजॉय, उसके बाद फिर दिखाते हैं आगे का वीडियो आपको। अगर आप आना चाहें यहाँ पर तो इसकी लोकेशन जो है जामा मस्जिद गेट नंबर 3 के जस्ट सामने गुम्बाड कैफ़े का आप नाम से पूछ सकते हैं, बाहर आपको यहाँ बोर्ड भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल फूड करते हैं एंजॉय, बाकी बात करते हैं फिर बाद में। गाइज़ ये है यहाँ का नज़ारा शाम के टाइम सूरज ढलने के बाद, जिस टाइम हम आए थे 4 से 4:30 बजे के आसपास, उस टाइम यहाँ लाइटिंग वगैरह ऑन थी नहीं। अभी यहाँ लाइटिंग भी ऑन कर दी गई है और आपको यहाँ मॉकटेल का भी जो है वो काउंटर देखने के लिए मिलेगा। मॉकटेल का काउंटर आप चाहें यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, हुक्का भी आप यहाँ जो है वो ले सकते हैं। और शाम का नज़ारा कुछ इस तरीके से, शाम को आप यहाँ आराम से बैठें, फूड इंजॉय करें और नज़ारा आपको बहुत ही ज़्यादा औसम देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ। क्योंकि जामा मस्जिद की जो रात का नज़ारा है वो हर जगह के लिए फेमस है। और इन्होंने एक यहाँ पर जो है वो प्राइवेट जो एक बना रखा है, आप चाहें तो यहाँ प्राइवेट भी इसे बुक कर सकते हैं। हुक्का भी आप यहाँ जो है प्रोवाइड किया जाएगा आपको यहाँ हुक्का भी।
यहाँ का शाम का व्यू आपको दिखा चुका हूँ। मेरे पीछे देखते हैं ये जामा मस्जिद के साइड का नज़ारा है जो बहुत ही ज़्यादा औसम यहाँ से दिखाई देता है। रात के टाइम फूड मैंने यहाँ के ट्राई किए, मुझे तो यहाँ का खाना और व्यू दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं। तो फिलहाल निकलते हैं घर की तरफ। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।